गाय सालों जाने के लिए ट्रिप जो है चालू हो चुका है। अभी हम आए हैं पेट्रोल पंप पर फूल भरने। कल सुबह हम लोग को निकलना है 5 बजे, उस टाइम तो भर नहीं पाएंगे। बोलिए भाई, आपका ड्राइवर रहेगा। अपना जो है फूल भरकर हो चुका है और अब यहाँ पर बॉम्बे का जो है थोड़ा डॉक्यूमेंट जो है वो जेरोक्स करना है। अब जा रहे हैं जेरोक्स ऑफिस, दुकान वहाँ जाके जेरोक्स करके निकलते हैं। और अब जेरोक्स करने का सीधा सुबह मिलेंगे आपसे। बॉम्बे भाई भी अपना रेडी है, अपना सामान रेडी कर रहा है, मैं भी अब घर जाकर करूँगा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और अभी मैं और मेरा दोस्त जा रहे हैं आलू, और कल शाम से हमारा प्लान हो गया था, सब तैयारी करना चालू हो गया था। आज सब फ्यूल उलता सब इसमें स्कूटी पे ही, अब निकल रहे हैं आलू के लिए और रास्ते में बात करते हैं। गाइस अभी हम जो है मैं और बुमली अभी थोड़ा देर के लिए रेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि ठंडा की वजह से हाथ और जो बम है वो सूल हो गया है एकदम ठंडा से। और स्कूटी को भी थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि स्कूटी में क्या जानते हैं दूर दूर जाने की थोड़ा तकलीफ होता है। और अभी बस सुसु ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे थोड़ा रेस्ट करके और मिलेंगे थोड़ा आगे। यहाँ जब से आए हैं आलू बाड़ी पार करने के बाद यहाँ तो एक भी बंदा दिख ही नहीं रहा, पर रोड खाली खाली, जैसा बोलते हैं ना अपना तेरा बाप का रोड है वैसा लग फिर है। तो गाइस अभी हम लोग का जो घर से निकला हुआ 150 किलोमीटर हो चुका है, तब हमने फिर सेकंड स्टॉप लिया है और यहाँ बस रेस्ट कर रहे हैं। उसका बढ़िया से एक नज़ारा दिखा रहे हैं आपको, क्या मस्त लगा इसलिए रुक गए हम और दिखा रहे हैं आपको भी। देखो भाई क्या मस्त एकदम सीधा है, फोन में तो उतना जस्टिफाई नहीं हो रहा लेकिन आँख से भाई आप अगर सामने होते ना क्या मस्त लगता। और वहाँ नीचे देखो घर भाई, इतना छोटा सा वहाँ एकदम छोटा दिख रहा है, बहुत ऊँचा है, एकदम मस्त व्यू है यहाँ से। वो आपको पीछे वहाँ सब नदी भी दिख रहा है, जूम करके दिखा सकते, फट उठ जाएगा लेकिन इस पर मोबाइल पर फ़ोन पर जूम हो जा। कहा गया भाई उमली भाई हमारे लिए लेके आए हैं बनाना, सुबह सुबह फ्रूट्स खाना चाहिए, सी खाना सही है सुबह सुबह। और इसका जो छिलका फेंकेंगे तो यहाँ नेचर को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये तो आराम से गल जाएगा। अब खाते हैं और व्यू भी इंजॉय करते हैं, क्या मस्त लग रहा है भाई। अगर मेरा घर यहाँ होता ना भाई दिन में जाता एकदम सुबह के एकदम ऐसा चीज़ देखने को अच्छा लगता, छोटा छोटा सब पीछे पीछे पानी रंग गया है, आवाज़ यहाँ तक आ रहा है। तो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अब फिर अपनी आलू की ओर। अरे बोमली भाई अपना उधर था खा पी के उसका भी हो जाता आ रहा है, मैं तो हो गया अब निकल रहे हैं यहाँ से। तो गाइस अब ना बोमली भाई भी आ चुका है, वो भी अपना हेलमेट पहन के रेडी, मैं भी अब निकलते हैं सीधा रुकेंगे नेक्स्ट स्टॉप अब अपना पासीघाट, वहीं पे रेस्ट करके फिर निकलेंगे आगे। तो गाइस अभी हम राणा घाट पर रुके हैं, यहाँ खाना वाना खाकर निकलेंगे। भूख लगी, सुबह के 5 बजे निकले थे घर से, अभी बहुत लेट हो चुका है। बोले भाई अपना बगल में और खाना आने का वेट कर रहे हैं, इसके बाद खा पी के फिर निकल जाएंगे यहाँ से। और अपना ब्रेकफास्ट फ्राई राइस, ये बोमली भाई का सूप। तो गाइस अब अपना जो है ब्रेकफास्ट कर हो चुका है और अब फिर से आलू की और फिर से अपना जो था स्टॉप या खाना खाने के लिए रुके थे। अब बस यहाँ रास्ते में हम लोग को बस थोड़ा सा एक छोटा मोटा सा वाटरफॉल दिख गया था, और अभी हम वाटरफॉल के ऊपर ही है, तो
वो वहाँ तक पीछे एंडिंग तक मैं जाकर आया, और उसके बाद वहाँ से पत्थर और ऊपर होते जा रहा है वहाँ तक नहीं गया, बस इधर आपको दिखाते नीचे आना देर से आ जाओ। पानी यहाँ से आ रहा है, यहाँ दिख नहीं रहा रेड में, यहाँ से और किधर, यहाँ से थोड़ा बहुत आ रहा है, ये यहाँ से ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा फिल्टर होकर आ रहा है पानी में। देर से हम लोग जो रोड में चला रहे थे स्कूटी, वो कुछ रोड ही नहीं था भाई, ये कितना अच्छा रोड है, एकदम बढ़िया से बॉडी का मसाज हो रहा है ना भूमरी भाई। यही तो है रास्ता, यही आलोक खासियत, खराब रास्ता भाई, हालत खराब हो गया है, पूरा झपिक झपा गया एकदम, बस पूरा पूजा पूजा एकदम खिल डुल गया एकदम शरीर एकदम, खुद का भी भूमरी का भी और स्कूटी का भी, अब पता नहीं अब आगे अच्छा रास्ता नहीं है पूरा, ले भाई अब 20 किलोमीटर खराब रास्ता एकदम। चलो चलो भाई, आपको तो उतना कष्ट नहीं होगा जितना हमें हो रहा है, आप बस वीडियो को एक लाइक मार दीजिए हमारे मेहनत के लिए, हमारे बदन टूटने के लिए, जैसा हालत खराब रहता है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, दोनों का ही चैनल गोमली का भी और मेरा भी, तो दो देर बाद मिलते हैं। इस नवसा से तो हम दोनों भाई ठीक ठाक काले काले होकर निकले थे, आलो पोस्ते पोते सब सफेद सफेद, देखो बमली भाई, तो बमली एक बार झा रहा था अपना शरीर एक बार मैं भी सेम वही हालत है, तो क्या करें, अब पहुँच तो गए आलो, अब इसके घर जाएंगे गांव पे, अभी टाउन पे इसके अब फूफू से मिलना है, अभी अब फूफू से मिलने के बाद जाएंगे इसके गांव घर। तो गाइस फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं बमली भाई के गाँव, और हमें स्कूटी वहाँ ऊपर रखना पड़ गया क्योंकि यहाँ रोड नया नया बन रहा है इसलिए, और अब पैदल पैदल जा रहे हैं। बुमली भाई भी अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, और अभी तो आज दिखा नहीं पाएंगे कुछ भी यहाँ का, तो आज का ब्लॉग बस यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर, और अगला वीडियो इसका गाँव थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे तो उसका आ जाएगा, और देखते हैं।